हाँ बेटा प्रीवियस लेक्चर में जो हमने डिस्कस किया था वो हमारा प्रीवियस ये वाला क्वेश्चन हमारा डिस्कस हो गया था जिसमें हमें डेराइव करना था कि एच एक्स और एच वाई इक्वल होंगे ये प्रूफ करना था और एच वाई से लेस एक्स इक्वल टू जीरो ये प्रूफ करना था हमें एक नॉइजलेस चैनल के लिए ठीक है आज क्वेश्चन है आपका वेरीफाई द फॉलोइंग एक्सप्रेशन एक एक्सप्रेशन दिया हुआ है एच एक्स एच एक्स कॉमा ये आपका एंट्रोपी का एक जो आप एंट्रोपी की जो पीछे फॉर्मूले पढ़े थे जो म्यूचुअल इंफॉर्मेशन से ऊपर जस्ट ऊपर हमने डिस्कस किया था तो वहां पर मैंने बताया था कि एच एक्स कोमा वाई क्या आपके दो रूप हो सकते हैं एक एच एक्स स्लेस वाई प्लस एच वाई होगा और अगर इसको अपोजिट कर दे तो ये क्या होगा वाई स्लेस एक्स वाला होगा प्लस यहाँ पर क्या जाएगा आपका एच एक्स आ जाएगा ठीक है तो दोनों केस में मतलब किस तरीके से आपको प्रूफ करना है तो अब यहां पर इसने कहा कि वी नो डेट पी एक्स आई कोमा जेवल टू पी एक्स आई स्लेस वाई जे इन टू पी वाइजेट प्रोबेबिलिटी को कह रहा है कि रिप्रेजेंट जो कर रहा है वो रिप्रेजेंट कर रहा है कि ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी आपकी ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी इन आपकी आउटपुट या इनपुट प्रोबेबिलिटी अगर इनपुट आउटपुट का ये वाला है पहले इनपुट है फिर आउटपुट है तो यहाँ पर आउटपुट होगा और अगर इसको अपोजिट कर दें इसको मैं लिखूं यहाँ पर वाई जे स्लैस एक्स आई तो ये वाई जे स्लेस आई होगा, तो ये कितना में भी डिस्कस था। और अगर आपको याद हो जब चैनल मैट्रिक्स के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे तो चैनल मैट्रिक्स वाला जो फॉर्मूला था जिसमें चैनल मैट्रिक्स कैलकुलेट होकर आई थी हमारी पी वाई स्लैस एक्स करके आया था देन हमने फिर फर्दर कैलकुलेशन की थी उसमें पी एक्स कोमा वाई X, y की थी थी ना तो यहाँ पर थी तो पर पर मैट्रिक्स मैट्रिक्स ट्रांजिशन आपकी ठीक है फॉर्मूला हमारा क्या था दूसरी तरीके का था एक्स तो आ गया था इंटू पी वाई फ्लेस एक्स यहाँ पर आया था ठीक है दूसरा ये कह रहा है कि आपकी जितनी भी ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी है पी एक्स आई कोमा वाई जे जो भी प्रोबेबिलिटी है उनका आप जब सम करते हो सम किसी भी फॉर्म में कर सकते हो मतलब आई की रेंज ले लो या वाई की ले लो मतलब जे वन कर दोगे अगर फॉर एग्जाम्पल आप जे की वैल्यू कोई की वैल्यू को वेरी कर रहे हो ठीक है या फिर आप क्या करोगे कि आई की वैल्यू को फिक्स करोगे तो जे की वैल्यू को वेरी करोगे तो अगर यहाँ पर आप क्या ले रहे हो आई की लिमिट ले रहे हो तो यहाँ पर क्या आएगा आपके पास में पी वाई जे आएगा अदरवाइज आपका क्या रहेगा यहाँ पर समीशन ऑफ जे अगर जे की लिमिट लगाओगे जेज इक्व टू वन टू एम एन तो तब ये आपका कितना होगा पीओफ एक्स होगा ठीक है जैसे कि कल भी हमने क्वेश्चन में जो है इसको डिस्कस किया था तो जितने भी प्रोबेबिलिटी का समय क्या होगा पी वाई जे के इक्वल लिखा मैं, ठीक है अब मेरे पास में फॉर्मूला मुझे जो था जो ड्राइव करना था एच एक्स कोमा वाई तो इसका जो एंट्रोपी का फॉर्मूला होगा एच एक्स कोमा वाई इज इक्वल टू माइनस साइन आया ठीक है यहाँ पर क्या आया एक्सकोमा वाई था यहाँ पर ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी तो सब में थी वो सॉरी ट्रांजिशन नहीं ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी पी एक्स आईकोमा वाई जे ये हर एक एंट्रोपी के फॉर्मूले में था जो कल डिस्कस किया था इनटू अमाउंट ऑफ इन्फॉर्मेशन अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन क्या होगी वन अपॉन log बेस टू वन अपॉन में क्या आएगा पी एक्स आईकोमा वाई जे ठीक है यहाँ पर एक्स कोमा वाई है तो यहाँ पर भी एक्स कोमा वाई वाला आएगा टर्मिनोलॉजी लेकिन माइनस साइन ले लिया तो ऊपर हमने इसको कंसिडर कर लिया ठीक है सबमिशन में आपका क्या आएगा जो आउटपुट वाला जेज इक्व टू वन टू एन आएगा आईज इक्व टू वन टू एम आई भी आएगा आपका यहाँ पर ठीक है बेटा आगे बढ़ते हैं तो थोड़ा सा इसने जब आगे बढ़े तो इसने क्या करा कि यहाँ पर पी एक्स कोमा वाई ये वाली जो वैल्यू थी यहाँ पर इस वाली टर्मिनोलॉजी की जगह पर इसने क्या रखा यह वाली टर्मिनोलॉजी लिखी और ये क्या लिखा पी एक्स आई जे वाली आपकी टर्मिनोलॉजी आई ठीक है तो इस वाले फॉर्मूले से आपने क्या करा जो आपका ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी थी उसको इस फॉर्म में लिखा और इसको एज इट इज ज्वाइंट वाले में रहने दिया ठीक है बाकी आपके जो समिशन थे माइनस साइन था वो एज इट इज यहाँ पर चलता हुआ आ रहा आपका I, J, ये वाले यहां से आ गई ठीक है फिर थोड़ा सा आगे बढ़े यहाँ पर क्या हुआ जे वन एन और वन एम रहा। I, J, ये टर्मिनोलॉजी आपकी पूरी ऊपर से नीचे तक इज आती जा रही है ठीक है तो यहाँ पर जो लिखा है इसने ये लिखा लोग पी एक्स आई स्लेस वाई जे और फिर माइनस लगा कर करा यहाँ पर क्या यूज किया यहाँ पर ये वाली टर्मिनोलॉजी देखो यहाँ पर लोग पी एक्स आई स्लेस वाई जे इंटू पी वाई जे इसको कि A, A कहा ए है? है और ये बी है तो लोग ए प्लस ए इंटू बी लोग ए इंटू बी होता है आपका लोग ए प्लस लोग बी यही होगा ना लोग ए प्लस लोग बी ठीक है लेकिन यहाँ पर माइनस साइन है तो बीच में क्या आएगा माइनस आएगा तो लोग ए लोग ए की बात कर रहे हैं ए क्या था पी एक्सलेस वाई जे तो ये वाली टर्मिनोलॉजी मेरे पास में यहाँ पर आ गई लोग मेरी ये वाली टर्मिनोलॉजी यहाँ पर आ गई और ये वाला जो पार्ट था जो समीशन और पी एक्स है आई कोमा वाई जे अगर आप इसको गौर से देखोगे तो ये वाला पार्ट आपका कॉमन है ये वाला यहाँ पर देखो ठीक है तो ये इस वाली टर्म के साथ में भी रहेगा और इस वाली टर्मोलॉजी के साथ में भी रहेगा तो ये वाली कॉमन चीज थी जो दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगी और ये वाली चीज आपकी लोग ए के इक्वल हो गई और ये वाली चीज आपकी कितनी होगी लोग बीवल हो गई क्लियर है मेरी बात यहाँ पर ठीक है जब ये वाली चीज क्लियर है तो आगे बढ़ते हैं अब ये वाला देखोगे आप यहां से लेकर के यहाँ तक ये वाली टर्मोलॉजी इतनी इसको अगर गौर से देखोगे तो ये एच एक्स एसलेस वाई वाला फॉर्मूला बन रहा है क्योंकि यहां पर ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी रहेगी ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी एक्सकोमा वाई वाली एक्सकोमा वाई वाली है ठीक है अब यहाँ पर जब देखोगे आप इसको गौर से देखोगे तो ये ऑफ मैंने बताया था कि ये वाली जो सम्मिशन की प्रोबेबिलिटी यहां से पी वाई जे ये वाली चीज देखो यहाँ से उठ करके ये वाली चीज क्या गई? Pyj आ गई पीवाईजे के इक्वल आ गई ठीक है तो ये वाली टर्मिनोलॉजी किसके इक्वल हो गई पी वाई जे के इक्वल हो गई और लॉग पीवाईजे आपका एज इट इज यहाँ पर है ये ठीक है तो इस तरीके से मतलब इसने क्या करा फिर ये वाला जो पूरा फॉर्मूला है ये आपका किसका है एच ऑफ वाई का फॉर्मूला है तो एच एक्स एस एस वाई प्लस एच ऑफ वाई हो गया ठीक है तो इस की हेल्प से आप किसी भी प्रकार के जो भी डेरिवेशन है कुछ ये है फॉर्मूलाज हैं उसका उसमें वैल्यू पुट करी उसकी उसमें वैल्यू पुट करी इसकी हेल्प से आप जो है कोई भी डेरिवेशन अगर इसका अपोजिट पूछ लिया जाए तो इसका अपोजिट भी आप सोल्व कर सकते हो ठीक है इन्हीं के फॉर्मूला की हेल्प से आप सोल्व करोगे आगे बढ़ते हैं। अब इसने कहा कि कुछ मतलब एक फॉर्मूला दिया हुआ है ये आई प्रोबेबिलिटी जो एक्स आई आई टू वन टू एम तक दी हुई है आउटपुट प्रोबेबिलिटी आपको पी वाई जे जेक्वन टू एन तक दी हुई है तो जेवस टू वन टू एन आपकी सबमिशन में दिया है यहाँ पर और ये पी एक्स आई कोमा वाई जे ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी और लोग बेस टू पी एक्स आई वाई जे ट्रांजिशन डिवाइडेड बाई पी एक्स आई तो यहाँ पर म्यूचुअल इन्फॉर्मेशन के फॉर्मूले को थोड़ा सा मॉडिफाई करके इसने जो है डिफाइन कर दिया यहाँ पर ठीक है अब यहाँ पर क्या करना है आपको <coughs> सबसे पहले आपको म्यूचुअल इन्फॉर्मेशन का फॉर्मूला एच एक्समोल वाईस टू एच एक्स माइनस एच एक्स स्लेस वाई ठीक है एंट्रोपी की फॉर्म में आपने फॉर्मूला लिखा अब जब एंट्रोपी की फॉर्म में फॉर्मूला लिखा उसकी फिर उसका फॉर्मूलाशन एक्सपेंशन जब किया एच एक्स का फॉर्मूला क्या होगा पी एक्स आई इन टू अमाउंट ऑफ इन्फॉर्मेशन लॉग बेस टू वन अपॉन पी एक्स आई ये आपका किसका फॉर्मूला हुआ एच एक्स का हुआ एक्स आपका इनपुट है तो इनपुट की आपकी लिमिट रहेगी आई जीव टू वन टू एम रहेगा एच एक्स वाई आपकी यहाँ पर जो है ट्रांजिशन एंट्रोपी कैलकुलेट करनी है ट्रांजिशन में अब यहाँ पर तो आपकी जो प्रोबेबिलिटी रहेगी वो ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी वो पी आ, वाई जे और अमाउंट ऑफ में आपका आएगा लोग पी वाई जे जो आपका ये वाला है जो जो x स्लेस वाई है तो एक्स वाई आएगा y स्लेस एक्स है तो y स्लेस एक्स आएगा एज इट इज यहाँ पर प्रोबेबिलिटी रहेगी यहाँ पर आपका क्या था माइनस साइन दिया हुआ था ये माइनस साइन था यहाँ पर जो अमाउंट ऑफ इन्फॉर्मेशन ये वाला जो था लोग बेस टू वन अपॉन में आना था इसको ऊपर बाय डिफॉल्ट लिखा माइनस माइनस आपका क्या हो गया प्लस हो गया ठीक है ये इसका एक्सपेंस एक्सपेंशन हुआ इसका अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं अब जब आगे बढ़ेंगे तो इसमें क्या किया कि जो आपका पी एक्स आई था ये वाला ये वाली चीज जो पी एक्स आई थी उसकी जगह पर लिखा ये वाला फॉर्मूला मतलब उसने जो ऊपर वाले पे क्वेश्चन में हमने डिस्कस किया था कि ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी का जो सबमिशन है वो उसके इक्विवेलेंट उसने कंसीडर कर लिया तो यहाँ पर आपने इसने क्या करा कि j की जो लिमिट ली वो लिमिट j 1 टू n ले ली i की लिमिट आपकी बाहर आ गई i 1 टू m एज इट इज ठीक है log बेस 2 1 pxi ये आ गए to to n, पौन पौन यहां पर एज इट इज आपका और pxi की जगह पर आपने इसकी वैल्यू को पुट कर दिया यहाँ पर ये यह सम्मीशन दोनों के दोनों सम्मीशन आपके समीशन आए ये ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी एज इट इज आई और ये वो ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी और ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी वाला जो पूरा एज इट इज एक्सप्रेशन रहा ठीक है अब इसने क्या करा इसमें कॉमन ले लिया क्या कॉमन लिया दोनों अगर आप देखोगे तो दोनों सम्मीशन दोनों में कॉमन है ठीक है पी एक्स आई कोम जी दोनों में कॉमन है तो इसने दोनों सबमिशन और pxi को comma y जो कॉमन ले लिया अंदर की जो टर्मिनोलॉजी बची log base 2 1 upon pxi एज इट इज आ गया यहाँ से आपके पास में जो टर्मिनोलॉजी आई log 2 base 2 pxi y जे आ गया ठीक है तो अब यहाँ पर क्या करा रहा है इसने इनको log a log लोग b log a b को इसने क्या करा log क्या लिखोगे आप a b वाला फॉर्मूला यूज करोगे इसमें ठीक है तो आपके पास में क्या गया? आ, आ गया अः ये वाला टर्मिनोलॉजी पी एक्स आई वाई जे अपॉन पी एक्स आई वाला आपका फॉर्मूला से डिवीजन वाली प्रॉपर्टी को प्लस में ले जाते हैं और उसको ठीक है ये सबमिशन आपके दोनों एज इट इज रहे इन टू पी एक्स आई को जे तो आप इसको गौर से देखोगे तो ये वाला एक्सप्रेशन जो इक्वेशन नंबर वन में आपको दिया हुआ था वो एक्सप्रेशन आपका एज इट इज यहाँ पर मिल गया ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन पे पहुंचते हैं वेरीफाई द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन एक expression दिया हुआ है आपको उस एक्सप्रेशन में कह रहा है कि जो मतलब है आपका एवरेज इंफॉर्मेशन ठीक है म्यूचुअल इंफॉर्मेशन सॉरी एवरेज इंफॉर्मेशन नहीं है म्यूचुअल इंफॉर्मेशन तो म्यूचुअल इंफॉर्मेशन आई एक्स सेमिकोलन वाईक्स टू आई वाई स्लेस एक्स इसको प्रूफ करना है ठीक है तो इसको प्रूफ करने के लिए इसने क्या लिखा कि i y slash x अगर मेरे पास में है तो मैं उसको उसकी फॉर्मूले को लिख रहा हूँ p y j comma x i into log बेस two p y j slash x i upon p y j ठीक है ऊपर वाले फॉर्मूले की हेल्प से यहाँ पर लिखने की कोशिश की गई ठीक है ये वाला जो फॉर्मूला था ये वाला जो फॉर्मूला था ये किसका था का था, IX, y का था. ठीक है तो यहाँ पर y स्लेस एक्स कर दिया तो yj जे को और ये वाली चीज एज इट इज यहाँ पर करने की कोशिश की इसने ठीक है बेटा तो उसी की हेल्प से इसने इस फॉर्मूले को लिखा कि अगर वो है तो ये भी हो सकता है फिर इसने कहा कि जो आपकी जॉइंट प्रोबेबिलिटी है पी वाई जे को मा आई, ये पी एक्स आई को वाई के इक्वल हो दोनों वाइस वर्सा मतलब किया दोनों एक दूसरे के दूसरा इसने क्या करा कि ये वाला जो इसको ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी इसको डिवाइडेड बाय करके लिखा कुछ की जे स्लेस एक्स आई वाला जो था इसको इसने इसके equivalent लिखा कि भैया तो ये होगा या ये होगा दोनों इक्वल होंगे तभी तो ये वाला एक्सप्रेशन से देखो कि पी एक्स आई स्लेस वाई जे अपॉन पी एक्स आई वाला जो फॉर्मूला था ठीक है वो यहाँ पर इसने इज लिखा कि ये और ये दोनों इक्वल होंगे ठीक है तो इस इक्वलिटी के आधार पर मतलब कह सकते हैं हम कि आई एक्स कोमा वाई और आई वाई एक्स से इक्वेशन नंबर वन एंड टू ग आप लिखोगे कि ये आपका क्या है दोनों इक्वल है अमाउंट ऑफ इन्फॉर्मेश म्यूचुअल इन्फॉर्मेशन नेक्स्ट आपका वेरीफाई द फॉलोइंग एक्सप्रेशन ये प्रॉपर्टी भी है दोनों की दोनों जो हमने डिस्कस की दोनों है दोनों प्रॉपर्टी है म्यूचुअल इन्फॉर्मेशन की तो यहाँ पर आपको प्रूफ करना है कि आई एक्स सेन वाई इज ग्रेटर टू जीरो कि म्यूचुअल इंफॉर्मेशन हमेशा आपकी क्या होगी जीरो, जीरो से ग्रेटर होगी ये आपको प्रूफ प्रूफ करना है है ठीक इसको करने के लिए हम क्या करेंगे सबसे पहले आप क्या करोगे म्यूचुअल इन्फॉर्मेशन का फॉर्मूला उठाओगे म्यूचुअल इन्फॉर्मेशन का जो फॉर्मूला आएगा आपके पास में म्यूचुअल इन्फॉर्मेशन का फॉर्मूला ये वाला ठीक है अब इसने क्या करा यहाँ पर यहाँ पर छोटा सा मतलब है वो क्या कि जो माइनस साइन था उस माइनस साइन को उधर ले गए ठीक है अगर आप देखोगे इससे ऊपर वाले क्वेश्चन में यहां पर क्या था पी वाई जे जेमाई तो यहाँ परमाइजेट लिख दिया तो पी एक्स आई स्लेस वाई जे ऊपर आना था डिवाइडेड बाई पी एक्स आई आना था लेकिन क्या करा वन अपॉन में ले गए इसको तो यहाँ पर क्या माइनस साइन पहले ले लिया ठीक है अब क्या करा इन्होंने ये कह रहा है कि यूजिंग द बायज लॉ ठीक है एक साइंटिस्ट थॉमस बाइज करके है इनकी प्रोबेबिलिटी पे कई सारी थ्योरम है तो प्रोबेबिलिटी पे ही है जो थ्योरम लिखते हैं तो जैसे पी ए एस वाई आपका होता है पी बी वाई ए टू पी ए अपॉन पी बी इस तरीके से कई सारे मतलब जो एक्सप्रेशन इनको इन्होंने दिए कि प्रोबेबिलिटी में जब भी ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी की हम बात करते हैं तो कैसे फॉर्मुले है? हम कैलकुलेट करते हैं ठीक है, है? हालांकि इसकी जरूरत नहीं है मैं ऑलरेडी मतलब आप लोगों को ऊपर एक्सप्लेन किया था जो आपका प्रीवियस एग्जाम्पल थे तो उसमें ये वाला जो फॉर्मूला था मैंने बताया था ये वाला कि पी एक्स आई कोमा जेवस टू पी एक्स आई स्लैश वाई जे इंटू पी, पी वाई जे दूसरा मैंने यहां पर बोला था कि पी एक्स आई कोमा वाई जे, अगर ये आई वाई जे है या पी वाई जे स्लैश एक्स आई इंटू पी एक्स आई होगा ठीक है मैं एक बार इसको एक्सप्लेन करके दोबारा से वैसे बता देता हूं जस्ट सेकेंड हाँ तो यहां पर बेटा दो एक्सप्रेशन है आपके पास में एक एक्सप्रेशन है आपका पी एक्स आई कोमा वाई जे इज इक्वल टू आपके पास में ये वाला पी वाई जे स्लेश ठीक है दूसरा मैं एक्सप्रेशन यहां पर बता रहा था कि पी एक्स आई कोमा वाई जे इज इक्वल टू आपका होगा पी एक्स आई स्लेस वाई जे इंटू पी वाई जे ठीक है तो इसकी हेल्प से आपको जो यहाँ पर आप अगर आप क्वेश्चन में देखोगे तो यहाँ पर क्या है ए, ये वाला क्वेश्चन देखो इसको मैं थोड़ा वो कर देता हूँ यहाँ पर आपको ये वाला एक्सप्रेशन चाहिए पी एक्स आई डिवाइडेड बाय पी एक्स आई स्लेस वाई जे ठीक है तो आप इसकी हेल्प से मतलब आप देखोगे आपके पास में जो एक्सप्रेशन है वो एक्सप्रेशन था पी एक्स आई डिवाइडेड बाय पी एक्स आई स्लेस वाई जे ठीक है तो पी एक्स आई को रखा आपने डिवाइडेड बाय पी एक्स आई स्लेस वाई जे तो इस वाले में आप देखोगे कि पी एक्स आई स्लेस वाई जे ये वाला जो एक्सप्रेशन है इस वाले एक्सप्रेशन में गौर से देखो इसकी वैल्यू आप यहां से कैलकुलेट कर लोगे तो पी एक्स आई कोमा वाई जे डिवाइडेड बाई पी वाई जे ठीक है तो आपके पास में क्या आएगा पी एक्स आई कोमा Yj into pyj आपका ऊपर आ जाएगा तो आप गौर से देखोगे तो यहाँ पर भी इसने क्या लिखा पी एक्स आई डिवाइड बाई पी एक्स आई इन टू पी वाई पी वाई जे डिवाइडेड बाई पी एक्स आई कोमा वाई जे आपकी ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी ठीक है तो ये दो एक्सप्रेशन जो मैंने ऊपर वाले लिखे हैं ये दोनों एक्सप्रेशन आपके जो है कई क्वेश्चन में जो है आपकी यूज हो रहे हैं कि जो ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी के यूज कर रहे हैं ठीक है जब हम चैनल मैट्रिक्स की वहां पर बात कर रहे थे वहां पर फॉर्मूला था PX, y 2, यहां पर हम लिखते थे है। ठीक है तो उसकी हेल्प से मतलब इस तरीके से जो है यहाँ पर कैलकुलेट करने की कोशिश की ठीक है बेटा तो या तो बैज रूल वाला वो पढ़ लो कि पूरी थ्योरम क्या है ठीक है या फिर डायरेक्टली आप इसी की हेल्प से आप इसको कैलकुलेट कर सकते हो तो फिर क्या करा इसकी वैल्यू को इसमें पुट कर दिया ठीक है कैसे पुट किया कि ये वाला जो एज इट इज था ये दोनों के दोनों सबमिशन एज इट इज ऊपर से आए पी एक्स आई कोमा वाई जे एज इट इज ऊपर से आया ये देखो यहाँ पर ठीक है अब यहाँ पर ये वाली चीज आई तो यहाँ पर इस वाली वैल्यू की जगह पी एक्स आई ठीक है उसकी जगह पर क्या आएगा पी एक्स डिवाइडेड बाय एक्स आई कोमा ये से से आया लेकिन अगर आप इसमें गोर से देखोगे तो पर पर क्या था लोग टू था आपका गया आ गया ठीक है ये नेचुरल लोग पे ले गया तो लोग टू को कन्वर्ट करते हैं मैंने पहले भी बताया था जब भी बेस टू को कन्वर्ट करते हैं तो क्या करते हैं आ, नेचुरल लोग ऊपर वाली टर्मिनोलॉजी तो एज इट इज मतलब ये वाली इट इज डिवाइडेड बाय लोग टू तो डिवाइडेड बाई लोग यहाँ पर वन बाई एल एन टू यहाँ पर ले लिया तो ये बेस टेन या बेस ई e, जब भी आप कन्वर्ट करते हो तो इस तरीके से कन्वर्ट करते हो तो डिवाइडेड होना था तो उस एल एन टू को इसने बाल ले लिया। सारे एक साथ करती है। अब ये कह रहा है कि एल एन एल्फा जो होता है मतलब लोग एक्सपेंशन वाले फॉर्मूले मैथमेटिक्स में पड़े तो वहां पर कुछ इसने कहा कि लेस देन इक्व टू एल्फा माइनस वन ग्रेटर देन इक्वल टू लगाओगे तो वन माइनस एल्फा वाला भी आता है ठीक है तो एल्फा माइनस वन तो इसने क्या करा कि इस वाली टर्मिनोलॉजी को एल्फा मान लिया ठीक है और इसने कहा कि ये एल एन है तो बाकी की जो टर्मिनोलॉजी थी एज इट इज दोनों सम्मिशन आप देखोगे ऊपर से दोनों के दोनों समीशन एज इट इज आए जो ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी आपकी एज इट इज आई इस वाली टर्मिनोलॉजी को इसने लिखा एल्फा माइनस वन तो ये आपकी एल्फा हो गई कंसिडर और माइनस वन आपका यहाँ पर आ गया ठीक है तो इस वाले एक्सप्रेशन से क्या करा ये वाली चीज लिखी यहाँ पर इसने

ये वाली टर्मिनोलॉजी देखो यहाँ पर इसकी मल्टीप्लीकेशन अंदर कर दी तो पी एक्स आई कोमा वाई जे की जब इसमें मल्टीप्लीकेशन की पहले इस वाली टर्मिनोलॉजी में मल्टीप्लीकेशन होगी तो इससे ये कैंसिल आउट हो गया पी एक्स आई इंटू पी वाई जे बचा तो पी एक्स आई इंटू पी वाई जे माइनस माइनस में क्या आएगा पी एक्स आई कोमा वाई जे तो माइनस में पी एक्स आई कोमा वाई जे ठीक है तो उसका सबमिशन इसने क्या करा अलग लिखा यह तो क्या करोगे सबमिशन अगर कॉमन लोगे तो ये वाली चीज आपकी क्या आएगी ब्रैकेट में आएगी तो उसने सम्मीशन पहले ही अलग अलग कर दिया अब वो क्या कर रहा है कि इन दोनों पार्ट को अलग अलग सोल्व करके बता रहा है सबसे पहले ये वाला पार्ट लिया यहाँ से देखो यहाँ तक ठीक है क्या लिया सबमिशन आई टू वन टू एम जेज इक्वल टू वन टू एन पी एक्स आई इन टू पी वाई जे ये पहले वाली टर्मिनोलॉजी उठा ली और इसने कहा है कि जो सबमिशन लगेगा भाई इसमें पी एक्स आई में जे की टर्मिनोलॉजी नहीं है पीवाईजे में आई की टर्मिनोलॉजी नहीं है तो सम्मीशन आईज इक्व टू वन टू एम इन टू पी एक्स आई इसका सम्मीशन आईज इक्व टू वन टू एम इन टू पीवाईजे ठीक है तो इन दोनों को अलग अलग लिखा तो जब भी इनपुट प्रोबेबिलिटी का सम सारी प्रोबेबिलिटी वन होगी आउटपुट प्रोबेबिलिटी वन होगी तो कोई भी प्रोबिलिटी उनका पूरा अगर सम करते हैं तो वन होता है तो वन इंटू वन इज इक्व टू वन तो ये वाली पहले वाली टर्मिनोलॉजी तो आपकी क्या हो गई वन हो गई दूसरे वाली टर्मिनोलॉजी क्या करा समीशन आई टू वन टू एम आई जेवल टू वन पी एक्स आई जे ट्रांसबिलिटी थी तो इसने क्या करा? कि इस वाली को उठाया और इसकी जगह पर पी एक्स आई कर दिया पी एक्स आई भी हो सकता है या फिर दूसरा वाला लोग है तो पी वाई जे हो जाएगा कल वाले क्वेश्चन में हमने इसको डिस्कस किया था ठीक है अब समिशन आई टू वन टू एम जब इसको आप करोगे तो ये इनपुट प्रोबेबिलिटी इनका भी पूरा सम क्या होगा वन होगा तो अगर आप देखोगे तो ये वाली टर्मिनोलॉजी आपकी वन हो गई ये वाली टर्मिनोलॉजी वन हो गई तो वन माइनस वन आपका क्या हो गया जीरो माइनस आई एक्स सेमिकोलन वाई लेस देन इक्व टू जीरो ठीक है यह माइनस साइन है इसको हटाओगे तो आई एक्स सेमिकोलन वाई ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो तो मीन्स म्यूचुअल इंफॉर्मेशन जो भी होगी आपकी वो जीरो जीरो से ग्रेटर देन होगी ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं एल्फा मतलब जो इनपुट सोर्स है इनपुट सोर्स में जो प्रोबेबिलिटी है वो एल्फा दी हुई है सो डेट द म्यूचुअल इन्फॉर्मेशन इज गिवन बाई आपको ये प्रूफ करना है कि आई एक्स वाई इज इक्वल टू एच वाई प्लस पी लॉग पी प्लस वन माइनस पी इन टू होगा ये आपको प्रूफ करना है ठीक है फिर कह रहा है कैलकुलेट करनी है अमाउंट म्यूचुअल इन्फॉर्मेशन किसके लिए अल्फा अगर जीरो पॉइंट फाइव है और आपका जो प्रोबेबिलिटी पीअ टू जीरो पॉइंट वन है फिर पार्ट सेकंड को रिपीट करना है मतलब अल्फा जीरो पॉइंट फाइव है और प्रोबेबिलिटी जीरो पॉइंट फाइव है और कमेंट करना है रिजल्ट पे और बाइनरी फिगर्सिमेट्रिक विद इनपुट प्रोबेबिलिटी ये डायग्राम दिया हुआ है तो डायग्राम में क्या करा है, की बात हो रही है। दो इनपुट ले लिया टू ठीक है और इनकी जो प्रोबेबिलिटी दी हुई है और जो पी एक्स वन इज इक्वल टू दिया हुआ एल्फा और पी एक्स टू इज इक्वल टू वन माइनस एल्फा पहली एल्फा है तो दूसरी वन माइनस एल्फा होगी होगी ठीक है तो सबसे पहले क्या करोगे आप चैनल मैट्रिक्स बना लोगे चैनल मैट्रिक्स क्या होगी इसकी

डायगनल मैट्रिक्स किसकी पी एक्स की तो पी एक्स वन पी एक्स टू आपका अल्फा पी एक्स आपका 1 अल्फा रिमेनिंग पार्ट आपके 0, 0 तो ये पी एक्स डी हो गया इंटू पी वाई स्लैश एक्स हो गया अब आप क्या करोगे इसकी क्रॉस मल्टीप्लीकेशन में इन दोनों मैट्रिक्स की मल्टीप्लीकेशन तो रो की कॉलम में होगी अल्फा की अल्फा जीरो किसमें मल्टीप्लीकेशन करोगे पहले इसमें मल्टीप्लीकेशन करोगे फिर इसमें मल्टीप्लीकेशन करोगे जब आप पहले वाले कॉलम में मल्टीप्लीकेशन करोगे तो एल्फा और जीरो तो इसकी एल्फा में मल्टीप्लीकेशन हुई तो एल्फा इंटू वन माइनस पी एज इट इज यहाँ पर जीरो आ गया प्लस जीरो तो 0 तो जीरो कोई वैल्यू नहीं अब एल्फा और जीरो की मल्टीप्लीकेशन करोगे तो एल्फा इंटू पी प्लस जीरो इंटू वन माइनस पी तो यहां से एल्फा पी प्लस जीरो तो एल्फा पी आपके पास बचा तो आप क्या करोगे आप ये वाली रो लोगे गए जीरो वन माइनस एल्फा इसकी मल्टीप्लीकेशन इसमें करोगे तो जीरो इन प्लस वन माइनस एल्फा टू पी तो वन माइनस एल्फा पी आ जाएगा जीरो प्लस में कोई वैल्यू नहीं तो जीरो और वन माइनस एल्फा की मल्टीप्लीकेशन आप इसमें करोगे तो जीरो टू पी प्लस वन माइनस एल्फा टू वन माइनस पी तो वन माइनस एल्फा टू वन माइनस पी तो ये मल्टीप्लीकेशन मैट्रिक्स की आपको पता है वैसे फिर भी मैंने थोड़ा सा एक्सप्लेन करने की कोशिश की ठीक है तो ये पी एक्स कोमा वाई है तो ये आपका क्या होगा एक्स वन कोमा वाई वन ये आपका होगा कि पी एक्स वन कोमा वाई टू पी एक्स टू कोमा वाई वन एंड पी एक्स टू कोमा वाई टू तो इसका इसके साथ कंपेरिजन किया तो पी एक्स वन कोमा वाई वन की जरूरत पड़ेगी तो ये Px1, y2 तो alpha p, Px2, y1 क्या होगा आपका वन माइनस एल्फा एन टू पी होगा और ये वाली जो टर्मिनोलॉजी होगी ये वाली टर्मिनोलॉजी इसके इक्वल होगी पी एक्स टू कोमा वाई टू ये वाला ठीक है, है बेटा नेक्स्ट आगे बढ़े अब यहाँ पर क्या करा हमने फॉर्मूला लगाया एच वाई स्लेस एक्स का ठीक है, है एच वाई स्लैस एक्स का फॉर्मूला क्यों लगा रहे हम क्योंकि हमें यहाँ पर जो है रिक्वायरमेंट पड़ेगी हमें क्या निकालना है ठीक है तो इस तरीके का फॉर्मूला लगाया कि जिसमें होता है पी एक्स आई कोमाइजे ये ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी कॉमन है सब में रहती है यहाँ पर आता है अमाउंट ऑफ इन्फॉर्मेशन लोग बेस टू वन अपन पी वाई जे स्लैश एक्स वन तो माइनस साइन पहले आएगी आपके पास में तो वाई स्लैश स्लैस एक्स था तो वाई स्लैश एक्स ही आपके पास में यहाँ पर आएगा ठीक है अब आप क्या कह रहे हो <coughs> अब आगे बढ़ते अब आपने क्या करा इसका एक्सपेंशन कर दिया किसका एक्सपेंशन किया बेटा इस वाले फॉर्मूले का एक्सपेंशन किया तो इस वाले फॉर्मूले का जब आप एक्सपेंशन करोगे तो यहां पर लिया माइनस पी एक्स वन कोमा वाई वन इंटू लोग पी वाई वन स्लेस एक्स वन ठीक है फिर माइनस पी एक्स वन कोमा वाई टू ठीक है लोग बेस टू पी वाई टू स्लैस एक्स टू चार आएंगी यहाँ पर क्यों आएंगी क्योंकि इनपुट भी दो है एम की वैल्यू दो है एन की वैल्यू भी टू है आपकी तो एक्स वन वाई वन आएगा एक्स वन वाई टू आएगा फिर एक्स टू वाई वन आएगा फिर एक्स टू वाई टू वाली टर्मिनोलॉजी आएंगी ठीक है तो एक्स टू वाई वन आएगा एक्स टू वाई टू आएगा सिमिलरली यहाँ पर आएगा वाई वन स्लेस एक्स वन पहले फिर आएगा वाई टू स्लैस एक्स वन फिर आएगा y1 वन स्लेस और y2 टू स्लेस इसका एक्सपेंशन क्या है इस वाले फॉर्मूले का इस वाले फॉर्मूले का हमने क्या करा एक्सपेंशन कर दिया नीचे ठीक है बेटा अब आगे बढ़ते हैं यहाँ पर वैल्यूज पुट कर दी पी एक्स कोमा वाई की वैल्यू दी एल्फा एल्फा इन टू वन p फिर यहाँ पर पी वाई वन स्लेस की वैल्यू कहा से ली यहां से ली ये वाला जो फॉर्मूला था वाई वन स्लेस एक्स तो वन माइनस ले ली माइनस पी एक्स वन कोमा वाई टू एक्स वन कोमा वाई टू कहा होगा यहाँ पर होगा x1, किसका वाई टू स्ल एक्स वन का तो वाई टू स्लेक्स वन का ये पी यहाँ पर आ गया माइनस पी एक्स टू कोमा वाई वन पी एक्स टू कोमा वाई वन ये वाली टर्मिलोजी वन माइनस एल्फा इन टू पी तो वन माइनस एल्फा इन टू पी इंटू लोग पी ठीक है तो इस तरीके से इनकी क्या करा वैल्यू सारी कैलकुलेट जो ऊपर हमने की थी इस वाली ये वाली मैट्रिक्स और ये वाली जो मैट्रिक्स आपने यहाँ पर फाइंड आउट की थी इन दोनों मैट्रिक्स की हेल्प से आपने वैल्यूज को पुट कर दिया अब जब वैल्यूज को पुट करा ये ध्यान रखना है कि माइनस साइन है तो सबके साथ में आप माइनस साइन लगाते चले गए ठीक है अब इसको जो है इसने कुछ कैंसिल आउट जो टर्मिलोजी कैंसिल आउट थी इनको एक्सपेंड करोगे जब इसकी अंदर मल्टीप्लीकेशन करोगे माइनस एल्फा माइनस माइनस प्लस एल्फा पी हो जाएगा इसी तरीके से यहाँ से होंगी कुछ कैंसिल आउट हो जाएंगी टर्मिनोलॉजी तो यहाँ पर आया माइनस पी लोग पी बेस्ट टू पर रहेगा माइनस वन माइनस पी लोग बेस्ट टू वन माइनस पी ठीक है दो टर्मिनोलॉजी आपके पास में यहाँ पर बचेंगी तो वो टर्मिनोलॉजी यहाँ पर आ गई आपकी अब फॉर्मूला लिया आई एक्समिकोलन वाई एच वाई माइनस एच वाई स्लैस एक्स वाला ठीक है जिसमें एच वाई एज इट इज रखा और एच एकस वाई स्लैस एक्स की वैल्यू मैंने ऊपर कैलकुलेट कर ली माइनस के साथ में थी तो माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा तो एच वाई प्लस से पी लोग पी प्लस वन माइनस पी लोग बेस टू वन माइनस पी तो इसकी हेल्प से आपके पास में ये फॉर्मूला आ गया यही आपको प्रूफ करना था ठीक है दूसरा क्वेश्चन में वो क्या कह रहा है कि आपको क्या करना है आई एक्स वाई कैलकुलेट करना है अल्फा पता है और पी पता है एल्फा और पी पता है आपको अब आपने फॉर्मूला तो कैलकुलेट कर लिया ये वाला तो एल्फा और पी पता है आपको। अब क्या? X. तो ये वाली मैट्रिक्स आपकी चैनल मैट्रिक्स होगी इनपुट मैट्रिक्स पी एक्स वन पी एक्स टू आपको पता है क्योंकि जीरो पॉइंट फाइव है तो इससे पी वाई वन एंड पी वाई टू की वैल्यू कैलकुलेट कर ली जीरो पॉइंट फाइव अब यहाँ पर जो है एच वाई की वैल्यू कैलकुलेट करनी थी इसलिए हमने ये चीज कैलकुलेट की बाकी टर्मिनोलॉजी हमें पता है एच वाई की तो कैलकुलेट करोगे ना इस वाले फॉर्मुले में भी ठीक है तो एच वाईक्वल टू आपका क्या होता है सबमिशन बेस माइनस साइन के साथ में आ गया तो पी वाई वन होगा पी वाई टू होगा इसका एक्सपेंशन पी वाई वन पता है जीरो पॉइंट फाइव पी वाई वन जीरो पॉइंट फाइव पी वाई टू भी सारी चीज जीरो पॉइंट फाइव जीरो पॉइंट फाइव है तो इसकी वैल्यू आपकी एंड्रोपी एच वाईक्स टू वन आ गया ठीक है अब आप क्या करोगे इस वाले फॉर्मूले में इसको पुट कर दोगे तो पी लोग पी प्लस वन माइनस पी लोग बेस टू वन माइनस पी इसमें जीरो पॉइंट वन पी की वैल्यू दी हुई थी मुझे क्वेश्चन में तो वो वैल्यू पुट करके मेरे पास में माइनस जीरो पॉइंट फोर सिक्स नाइन आ गया तो इसका जो फॉर्मूला हुआ म्यूचुअल इन्फॉर्मेशन का वन माइनस ये वाले टर्मिनोलॉजी आ गई पॉइंट फाइव थ्री वन आ गई ये आंसर आ गया फिर थर्ड क्वेश्चन में कह रहा था कि रिपीट करो इसको सेकेंड पार्ट को रिपीट करना अल्फा जीरो पॉइंट फाइव है और पी जीरो पॉइंट फाइव है अब पी की वैल्यू जीरो पॉइंट फाइव कर दी तो जो ये वाली टर्मिनोलॉजी मिलो जी यहाँ पर ये वाला फॉर्मूला मैंने यहां पर लगाया था जिसमें मैंने यहाँ पर पी की वैल्यू कितनी ली थी जीरो पॉइंट वन ली थी तो जीरो पॉइंट फाइव ले लो ठीक है तो एच वाई तो वो वन रह गई एज इट इज जो ऊपर कैलकुलेट किया था तो यहाँ पर इसकी वैल्यू जीरो पॉइंट फाइव लोगे तो इसकी वैल्यू माइनस वन आ गई तो वन माइनस वन जीरो हो जाएगी ठीक है